गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैथ फर्स्ट का टर्न है, ठीक है। मैथ फर्स्ट में हम लोग वर्कशीट कर रहे थे रिवीजन में, ठीक है, जिसे मैंने फर्स्ट वर्कशीट आपको दिया था करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग वर्कशीट नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। सेकंड में आज मैं क्वेश्चन दूंगी और जिन्हें सॉल्व करके आपको दिखाना है। उसके बाद कल की क्लास में आपको मैथ फर्स्ट की जो पहली वर्कशीट थी और जो आज की होगी सेकेंड वर्कशीट, इन दोनों वर्कशीट का सोल्यूशन, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं कल की क्लास में आपको दूंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वर्कशीट का, वो है आपका, लिखिए लिखिए निम्नलिखित तीनों को, फर्स्ट में लिखिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बनना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो थ्री
का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालेंगे, ओके। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सरल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखिए सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 1/3 की पावर 3/7। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 11 की पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर फोर है 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझ लीजिए कैसे आपको करना है, ठीक है, क्या करना है। इसमें बोला गया है आपसे कि आपको सरल करना है, ठीक है। सरल करने में पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 की पावर 1/5, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो बेस है, आधार है, वो सेम है। जब आधार सेम होगा तो आपकी पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में, जुड़ जाती है, यानी गुणा में खाते जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पावर एड करेंगे आप, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे होल पावर लगी है, तो होल पावर इस तरह से लिखा होता है, तो पावर का पावर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए यहाँ पे डिवाइड में, और डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट आपका जो बेस है वो अलग अलग है। जब अलग अलग है इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8 की होल पावर 1/2, ठीक है। वहां से होल पावर 1/2 में आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको फिर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करके उसको हम फिर से पावर में चेंज करेंगे, फिर 1/2 पावर आप कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखिए, देखिए मिल जाएगा, ओके।